और ये मैं इधर पाइसरन वैली आ चुका हूँ। ये टॉप की वैली है, इधर टॉप का पॉइंट जिसे बोलते हैं घोड़े वाले ऊंचाई पर सबसे, इसका नाम है पाइसरन वैली। और उधर आइस जम गई है, उधर से ही पानी बहकर आता है ग्लेशियर में से। और इसका 30 रियाल इसका टिकट है। और अंदर ये क्या बोलते हैं उसे, वो जो जाते भागते रस्सी डली हुई होती, क्या नाम है पता नहीं उसका। और यहाँ पर घोड़े खड़े हैं सबके, सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, ये जो अंदर है उनका वेट कर रहे हैं। ये देखो वो जा रही है लड़की, इसका पता नहीं कितना होगा टिकट। और ये मैं इधर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो पैदल आया हूँ इधर से पानी के रास्ते से शॉर्टकट से, और बड़ा मज़ा आया, पानी भी भर के पिया मैंने इधर से। गाइस इट्स टाइम टू ज़ोहर प्रेयर, तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर बहते हुए पानी में से मैं वजू करूँगा इधर से, और इंशाल्लाह यहाँ पर मैं ज़ोहर की सलाह पढ़ूँगा। और ये इधर मैं जा रहा हूँ हाईएस्ट पॉइंट की तरफ अकेला, और बाकी घोड़ों से जा रहे हैं, और इधर घोड़ों से जाने वाले भी बहुत कम हो जाते हैं। तो चले फिर करते हैं सलाह के बाद में टॉकिंग। और देखो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह भी सलाह पढ़ ली है, और अपना अपनी मस्ती में मस्त पड़ा हूँ अकेला एकदम बिंदास, बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में अकेला। ये देखो और सब कह रहे हैं, और ये भाई तो घोड़े से भी तेज चल रहा था। मैं बोला मैं मक्का के जो है पहाड़ों पे चढ़ता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग है ये, अपने आप को एक्टिव रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अभी ये मेरा सामान है, ये सलाह पड़ी है इधर, और अब मैं चलता हूँ और आगे, और मौसम में बारिश पड़ने वाली है, और यहाँ पे टाइगर वाइगर भी हो सकते हैं ऐसा मैंने सुना है। और इस लकड़ी पर चढ़ गया हूँ मैं, और ऐसे ऐसा कर रहा हूँ ना तो हिल रही है मेरे वेट से, क्योंकि पिचकी हुई है बीच में से, टूटी हुई है। तो ये देखो, हेलो गाइस, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मरा। ये मैंने एक यहाँ पर विलेज तलाश कर लिया है, ये तो बहुत ऊंचाई पे है, और लोग यहाँ पर खेती करते हैं और रहते हैं, और घोड़े खड़े हैं इनके उधर, और उधर वो कुछ औरतें बैठी हैं उधर वहाँ पर, आई समझ में। और इधर से घोड़े आते हुए नज़र नहीं आ रहे, मैं ये जो रास्ते के निशान बने हुए हैं इन्हें फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पे गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा और ऊपर जाने का रास्ता है, क्योंकि स्टेप भी यहाँ पर घोड़ों के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पता वो यहाँ पर घास चुगने आते हों। मैं क्या करूँ अब, कोई इंसान भी नहीं नज़र आ रहा है, टूरिस्ट भी नहीं, हाथ में मैंने डंडा ले लिया है। अब देखता हूँ उधर कुछ भेड़ बकरी ऐसी लगता है दिखाई दे रही हैं, देखता हूँ क्या है उधर। और ये चचा से मालूम क्या है, मैंने बता रहे हैं दूसरी तरफ रास्ता है उधर, तो मैं देखता हूँ उधर। 3 बजे तक 15 मिनट टाइम है मेरे पास, फिर उतरना शुरू कर दूंगा। अच्छा चाचा अस्सलाम वालेकुम। है कश्मीरी बच्चों, ये कश्मीरी फैंस आए हैं मेरे, कैसे हो, क्या हाल है, क्या नाम है, क्या नाम है? राशिदा। राशिदा, और तुम्हारा? तालिब सेन। तालिब सेठ? तालिब सेन। तालिब सेना। अच्छा ओ यहाँ पर रहते हो? हाँ ऊपर रहता। ऊपर? अच्छा लेक पे जा रहे हो? लेकर नहीं जा रहे, जा रहे जा रहे हो? डेरा उठा रहे हैं। उधर ही घर है? घर उधर। अच्छा साथ में चलते हैं तो? क्यों, मैंने रास्ता नहीं देखा। ऐसे जाओ। अच्छा कितनी देर लगेगी? होने पहुंचाना तू। कितनी देर लगेगी? आज ही। आज? हाँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, 30 मिनट में। ओ। अच्छा यहाँ पर लाइट वाइट कुछ नहीं है? नहीं।
अच्छा ऐसे ही रहते हो। खाना क्या खाते हो यहाँ से? चावल। चावल और चावल के साथ क्या खाते हो? दाल। दाल बहुत दूर से लानी पड़ती होगी है ना। अच्छा चलो तो साथ में मुझे भी, मैं भी चलता हूँ, मैंने रास्ता नहीं देखा। आज हमको नहीं जाना। आज नहीं जाना? अच्छा तो रास्ता बताओ। हाँ किधर से जाऊँ? जो वो लड़की थी ना उधर। हाँ उधर जा, उधर से फ्रे 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 उधर से अपर 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 जाओ ना। अपर एक बड़ा मैदान आएगा ना, फिर उधर से अपर जाना, अपर अपर पहाड़ी है, फिर पहाड़ी है भी जाना ना। अच्छा फिर उधर उधर फिर ले। आधे घंटे में पहुंच सकता हूँ? अच्छा इंशाल्लाह है, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम। और एक ये चचा मिले हैं, मैं सोच रहा था ऊपर जाऊंगा मैं, लेकिन चचा बता रहे हैं कि वहाँ पे तो पहुँचोगे कल 12 बजे, बहुत हाइट पे है, इसलिए 3 बज गए हैं अब और मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि उधर भी बहुत दूर आ चुका हूँ मैं और रास्ते भी ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पर घोड़ों के निशान भी नहीं है। तो चलते हैं, देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ। वो चचा कह रहे हैं कि यहाँ पर रात में कहाँ रुकोगे, रात में भालू भी आता है, चीता टाइगर वगैरह सब आते हैं यहाँ पर, तो भागो इधर से जल्दी से। मैं भागने लगा हूँ, ये देख सकते हो कैसे कैसे रास्ते से जा रहा हूँ और नीचे से रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो मैं बहुत स्पीड में भागूंगा अब नीचे उतरने में। हालांकि इतना आसान है लेकिन रास्ता ढूंढना मुश्किल है। भागता भागता इस पानी के बीच में आ गया हूँ, देखता हूँ इधर से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, व्हाट अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल व्यू, माशाल्लाह अल्लाहु अकबर, कश्मीर की वादी है। मजा आ रहा है लेकिन खोने में भी, यहाँ पे मैं खो चुका हूँ लेकिन यहाँ में खोने में भी मजा आ रहा है। ये देखो बहुत स्पीड में पानी चल रहा है और अभी बहुत स्पीड में पानी की ही इस तेज स्पीड से मुझे नीचे उतरना होगा, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। मैंने डिस्कवरी चैनल पे मैन वर्सेस वाइल्ड बेयर ग्रिल का जो शो है उस पर सुना था कि अगर आप जंगलों में रास्ता भूल जाओ तो जहाँ पर पानी ड्रॉप हो रहा हो पानी के साथ साथ चले जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई बस्ती में आ ही जाओगे। तो देखते हैं, हम फॉलो करते हैं ये ट्रिक। पानी बहुत ठंडा है गाइस, चिल्ड है, तो बर्फ से आ रहा है ना ये पानी। वो मेरा मोबाइल न गिर गया इधर। अच्छा धूप निकली है, अब पानी खत्म हो चुका है मेरे पास और यहाँ पर अभी जंगली कुत्ता मेरे पीछे लग गया था। अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरे पास ये डंडा था, मैं डर गया एकदम, लेकिन फिर मैंने जो ऐसे चीखा जंगल में सनी देवल की तरह भागा फिर वो दूर। तो फिर अब मैं ये पानी पी लेता हूँ, फिर प्यास लग रही है और बोलना भी है मुझे, बहुत मुश्किल है पीना, वीडियो बंद करनी होगी मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं मालूम करता हुआ आ ही चुका हूँ यहाँ पर, ये मिनी स्विट्जरलैंड भी कहलाता है, बाइसरन भी। और बहुत लोगों से पूछा मैंने, एक बुढ़े चाचा से भी, अभी दो लड़कियाँ जा रही थी, उनका घर था उधर गाँव पर बहुत अच्छा, उनसे पूछा, पता लगा मैं पानी के साइड में रॉन्ग साइड में जा रहा था, बताया कि उधर जाओ जिधर हाइट ज़्यादा दिख रही है उधर जाओ। अभी मैं थक चुका हूँ पूरा और मैं सोच रहा था कि मैं खो चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे फिर यह दिखाई दिया, इसकी आवाज़ें सुनाई दी। तो ये वाली वीडियो तो यहीं पर स्टॉप करता हूँ, आ चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम भी है अभी मुझे मेरे पास नीचे जाने का।